Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमको रेसलमेनिया 40 में एक बहुत ही बड़ा मैच देखने वाला है फॉर द WWE इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिटवीन द चैंपियन द रिंग जनरल गंटो वर्सेस सैमी ज़ेन। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन हमको पॉसिबली वॉकआउट करते हुए देख सकता है यह मैच में एज स्टिल और न्यू WWE इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की वीडियो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप WWE का WrestleMania 40 में ये मैच देखने वाले हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। डेफिनेटली गाइस, ये तो मैच देख के लग रहा है ना गाइस, WWE ने डेफिनेटली गाइस ये बार के WrestleMania में गाइस जो उनके मिड कार्ड चैंपियनशिप जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गाइस उसके लिए गाइस उन्होंने अच्छे खासे बड़े मैचेस किए हैं। और डेफिनेटली गाइस सैमी ज़ेन के चांसेस बहुत ही अच्छे खासे बनते हैं कि वो पॉसिबली मैच में वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं एज द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन। गाइस WWE वालों को गाइस बहुत ही टाइम से गाइस गंटर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के पिक्चर में डालेंगे, एक चीज उनको रुका के रखती है गंथर की इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। जैसे कि हमको पता है कि गंथर को गाइस ओरिजिनली गाइस रूमर्स थे कि वो सेट रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए टिकने वाले थे एट WrestleMania 14। सिंस गाइस गंथर के पास इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है उसके वजह से गाइस WWE वाले वो आइडिया के साथ नहीं जा सके। इसे गाइस पॉसिबल लगता है गाइस WWE ने WrestleMania 40 में सैमी ज़ेन जैसे बड़े स्टार को इसलिए गंथर के सामने डाला है कि सैमी ज़ेन अभी फाइनली इवेंचुअली गाइस गंथर को डिथ्रोन करके बन जाए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन। हमको लगता है कि गाइस अभी गंटर की इतनी अच्छी रेंज रही है उसको एक अच्छा स्टार खत्म करना चाहिए और सैमी ज़ेन से बेटर कोई का स्टार ऐसा है नहीं जो कि गंटर की रेंज इतनी मेमोरेबल रेंज खत्म करते हैं। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि सैमी ज़ेन ने मैच में गंटर को हरा के जीत जाएगी WWE की इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और गाइस, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।